हमारे पास एक FND का ओवर आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर T200X 700 वाट 7000 वाट। इसमें सप्लाई का प्रॉब्लम था, इसमें MOSFET ये उड़ा हुआ है और हमने MOSFET और भी डाल दिया लेकिन प्रॉब्लम नहीं निकली। तो क्योंकि MOSFET दोबारा डाला तो वो भी ब्लास्ट हो गया। ये इसका ड्राइव IC है जो वो शॉर्ट है, क्योंकि जब ये MOSFET उड़ता है तो इसको भी उड़ा देता है। इसका सिंपल सा सीधा तरीका है, एक सप्लाई आ जाती है 5 वोल्ट 4 वोल्ट जो सप्लाई मॉड्यूल है बाजार से मिल जाता है, 100 रुपये का ही आता है, सिर्फ 100 रुपये। इसको आसानी से लगा लो तो सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इसको ग्राउंड जो हमारा MOSFET था उसका ग्राउंड पिन से ब्लैक तार लगेगी और जो वायर लगेगी और जो रेड वायर है जो MOSFET के सेंटर वाली पिन पे लगेगा। जैसे कि इस प्रिंट पर जो सेंटर का पिन है MOSFET का, वहाँ पर रेड वायर और बच गई जो दो वायर ब्लू और येलो। इसको यदि हम आउटपुट में लगाते हैं तो उसमें एक डाउट है, जैसे कि सप्लाई कम ज़्यादा हो जाती है। जब ये सप्लाई उड़ेगी तो इसको सर्किट को भी उड़ा देगी। सबसे आसान तरीका प्रीसेट को का जो काम है वो हमको न्यूट्रल कर देना है। प्रीसेट का अब कोई काम नहीं, इसको कुछ कैसे भी घुमाते रहो इसका कोई काम नहीं है। हमने करना क्या, इसका जो 5 वोल्ट 4 वोल्ट से मॉड्यूल है इसका हमने कैपेसिटर को ओपन करना है। पिन पॉइंट नंबर 1 और 2, ये 1 है ये 2 है, ऊपर निशान लगा हुआ, जैसे देता हूँ इसका निशान। ये रहा, हल्का सा पॉइंट दिया हुआ है कि एक नंबर है और इधर वाला 2 नंबर, यानी कि प्रीसेट के साथ में जो कैपेसिटर है 817 नंबर, उसका एक नंबर पिन पे जो वायर लगेगी वो यहाँ पर जो इसमें सर्किट में कैपेसिटर है उसके एक नंबर पे, जो इसका कैपेसिटर 2 सेकंड नंबर है वो भी सेकंड नंबर पे सेम मिला के लगाना। जैसे कैपेसिटर का जो दोनों पॉइंट है इसको सीधा इधर अटैच करना है, पुराने वाले को निकाल के इन वाला जो सप्लाई आउट है उसी तरफ 1 और 2 नंबर को सर्किट को इस कैपेसिटर से जोड़ देना है। जो हमारा बोर्ड है उसका एक नंबर और 2 नंबर कैपेसिटर को निकाल के इसके अटैच करना, जैसे ऐसे देखो। इस प्रीसेट का जो फर्स्ट नंबर है इस प्रीसेट के फर्स्ट नंबर की जगह पे, और जो सेकंड नंबर पे से हमने कैपेसिटर से वायर उठाई है येलो, वो इसके इस कैपेसिटर के जहाँ लगा हुआ है उसके सेकंड नंबर पे लगा दो। इससे क्या होगा, जैसे कि हम पावर देंगे इसमें एडजस्ट करने की प्रीसेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जितना वूफर में लोड है ये 12 वोल्ट माइनस और 12 वोल्ट प्लस निकलता है। यहाँ पर ये कंडेंसर लगे हैं दो, तो उस ऑटोमेटिक उतनी ही सप्लाई बनाएगा जितनी कि सर्किट के अनुसार कैपेसिटर के अनुसार इस सर्किट में जितनी ज़रूरत है, जो सर्किट इन्होंने कैपेसिटर के साथ अटैच करके बनाया था उतना ही सप्लाई कैपेसिटर से जो वायर अटैच किया अब ऑटोमेटिक बनेगी, हमको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये लगा दिया, इसके साथ बाद सप्लाई बिल्कुल ओके बन गई है, बिल्कुल सही है, इसमें पावर आ गया और बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल ओके हो गया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।